नमस्कार, मंजू रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मंजू रेसिपी का चैनल में दो कटहल की वीडियो को मिलियन व्यू गई थी और काफ़ी लाइक्स आई और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो इस वीडियो में मेरी मम्मी, जो मंजू मिश्रा के नाम से जानी जाती है, वो एक कटहल का ऐसा रेसिपी बनाने जा रही है कि आप यकीन मानिए कि यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और अब चलिए रेसिपी का शुरुआत करते हैं। कटहल की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को छील करके इस तरह से पीस पीस में काट लिए हैं और काट करके नमक और हल्दी पाउडर डाल करके इसे हम 2-3 सीटी आने तक बॉईल कर लिए हैं। ये बॉईल किया हुआ कटहल है। अब कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। सबसे पहले कटहल को फ्राई करना है। कटहल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, कटहल का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक साइड कर देते हैं और गैस पे कुकर को चढ़ा दिए हैं। कुकर में 4 चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच पचफोरन है, उसे डाल देते हैं। पचफोरन के साथ ही 1 तेज पत्ता है, उसे भी डाल देते हैं और पचफोरन को पहले अच्छी तरह से चटकने देते हैं। फोरन अच्छी तरह से चटक गया है। अब इसमें हम 8-10 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा को लेकर के इस तरह से हम दरदरा कूट लिए हैं, उसे डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज, उसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं, उसे भी डाल देते हैं। प्याज अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनना है गैस का फ्लेम को मीडियम करके, जिससे कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर, दोनों को मिक्स कर दिए हैं। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला पाउडर। इससे कटहल का सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ज़रूर से मीट मसाला पाउडर डालिएगा और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम 2 मीडियम साइज का टमाटर, उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार किए हैं, उसे डाल देते हैं। और मसाला के साथ टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनना है। टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम सबसे स्पेशल चीज़, 1 मुट्ठी पालक को लेकर के इसे हम पहले बॉईल कर लिए। बॉईल करके मिक्सी के जार में डाल करके इसका हम पेस्ट इस तरह से तैयार कर लिए, उसे डाल देते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक, इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम छोटा छोटा आलू था, उसे हम 2 पीस में काटे हैं। आप चाहे तो आलू नहीं भी डाल सकते हैं, या डालना हो तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं। इसे हम डाल देते हैं और मसाला के साथ आलू को 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। छोटा आलू का एक अलग ही अपना टेस्ट है। 2-3 मिनट तक आलू को भी भून लिए हैं। अब इसमें हम कटहल को डाल देते हैं।
कटहल डालने के बाद, कटहल तो फ्राई किया हुआ था इसे तो भुनना है नहीं, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार डालिए और इसे पहले मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम दरदरा कूटा हुआ गरम मसाला पाउडर है उसे डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन को लगा करके एक सीटी तेज आंच पे इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। एक सीटी तेज आंच पे आने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।